चित्रकेतु को भगवत का भगवान का दर्शन हुआ, और भगवत दर्शन के बाद वो बड़ा उनको एरोप्लेन मिला और वो पूरा दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं। और वो एक जगह आते हैं कैलाश के पास और शिव जी को देखते हैं प्रवचन कर रहे हैं बीवी गोदी में बैठा के, और वो हंस पड़ते हैं। ये प्रवचन देने का तरीका पहली बार ही देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो शिव जी। लेकिन उनके दिन में कोई अपराध नहीं था। ओ महातपस्वी, ये क्या कर रहे हो, पूरा इज्जत था लेकिन तरीका ठीक नहीं लग रहा था उनको। दक्षा का जैसा नहीं, दक्षा तो अपराध कर रहा था, उसको तो मतलब इसको ख़त्म कर दो। हम लोग भी दो तरीके से करते हैं, एक बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव, प्रभु जी ऐसा आरती किया, जैसे मैं याद है एक बार मैं आरती कर रहा था, कोई आदमी आया था इधर देख रहा, तो प्रभु जी आप आरती बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आप आरती करते समय तुलसी को क्यों भूल जाते हो, उसको नहीं दिखाते। तो मैंने कहा कल कर, तो पहले उसने क्या बोला, आप आरती बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आप एक चीज़ ऐड कर देना, आप तुलसी को बहुत सारी पुजारी भूल जाता है, तुलसी ऐसा है ना, अरे तुलसी को कुछ उपचार नहीं मिलता कभी कभी। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। उसके दिल में कुछ मेरे लिए बुरा नहीं था, भगवत भगवान की सेवा को इम्प्रूव करने की इच्छा थी, इज्जत से इम्प्रूवमेंट बोला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का खोट देखते हैं उसको हम जमीन में रगड़ देते हैं, तू कुछ नहीं है, किसी को ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, दक्षा उसको क्या सोच रहे थे, जैसे ये बिल्कुल ख़त्म कर दो इसको, क्यों मेरे को इज्जत नहीं थी। उनका खाली वही था कि दक्षा भी बहुत शक्तिशाली है, मनु भी बहुत शक्तिशाली, ये सब बहुत शक्तिशाली प्रजापतिस हैं, तो दक्षा की स्पेशल पोजिशन है। तो दक्षा एक असेंबली में आते हैं अंदर, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव जी उधर बैठे हैं और वो कृष्ण के चरण में ध्यान मग्न है, इस करके वो खड़े नहीं होते। करें उनके दामाद हैं एक्चुअली, क्योंकि उनकी बेटी की शादी हुई है, लेकिन उनका पोजीशन तो ब्रह्मा से भी ऊपर है। करें शिव जी का पोजीशन तो बहुत बड़ा है, ब्रह्मा के ऊपर है, उनको इसलिए महादेव बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मा उनके पिताजी हैं। करें उनका विष्णु के बाद नेक्स्ट आता पोजीशन, विष्णु के बराबर ही हैं, थोड़ा सा दही जैसे बनता है दूध से बस, करें वो दूध है नहीं भी है, शिव तत्व जीव तत्व विष्णु तत्व, शिव तत्व जीव तत्व के ऊपर रहता है। तो एक्चुअली उनको कोई ज़रूरत नहीं थी खड़े होने की, लेकिन दक्षा ने एक खोट देख लिया, देखो मेरा दामाद बेशरम खड़ा नहीं होता। और उनको वैसे भी उसकी उनकी क्या कहते हैं उनकी कोई मान नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा ने बोला था उसने बेटी दे दी थी एक्चुअली, लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं थी शिव जी की, इसलिए वह बहुत गुस्सा हुआ था। हाँ ऐसा बेशरम, मेरा जैसा आदमी आया और खड़ा नहीं होता, ऐसे कदे क्या कपड़े पहना हुआ है, ऐसे कर करके उसने, वो अपमान है, वो एक्चुअली एक महान भक्त को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा है, और उसके जैसे उसका बहुत कुछ होता है, उस पर आएंगे भी दोबारा घूम के। तो एनीवे सो वो अपमान होता है, चित्रकेतु ने अपमान नहीं किया था, उनका ये था कि ये आप जो उदाहरण दे रहे हो ये गलत हो जाएगा, लोग ऐसा क्लास में बैठेंगे, गृहस्थ लोग ऐसा क्लास लेते देखा है क्या, मंदिर में क्लास ले रहे हैं बीवी को गोदी में बैठा के, क्योंकि अरे क्यों ले रहे हैं ऐसा प्रभु जी, अरे ब्रह्म शिव जी भी लेते हैं क्लास ऐसा, बिल्कुल ठीक है, महाजन है वो तो, महाजनों ये गता सपनता, जैसे महाजन करने वही हमको करने का, बिल्कुल आ जाओ, लेकिन गलत हो जाएगा ये। तो उनका कुछ उनके दिल में कोई द्वेष नहीं था, उनको ये लग रहा था ये क्या नया चीज हो गया आज बस। लेकिन शिव जी को जब ये चीज़ सुना, उन्होंने एक वैष्णव क्या लिखते हैं, त्रिनादपि तरोरपि, मैं हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आसान नहीं है ये, बोलना बहुत आसान होता है करना बहुत मुश्किल होता है। दोबारा बताते हैं, जैसे हम आपको ले जाते हैं, यहाँ सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है TMPI ऑडिटोरियम, और सबके सामने आपकी वहाँ पूजा करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, देते ना बड़ा बड़ा चादर सिल्क का ये सब, और एक आदमी ऐसा करता है और दूसरा आदमी आपको मार्केट में ले जाता है, गधे में बैठाते ना काला मुंह करके, और पूरा मार्केट में बेइज्जत करता है सबके सामने,
जो महान भक्त होता है ना भगवान का, उसको दोनों से कोई फर्क नहीं। त्रिनातपि सुनीचे ना तरोर, वो ये लक्षण हम लोग को, हम लोग साधना की तरह प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन महान भक्त को वैकुंठ धाम जाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि भौतिक जन्म के इस नाटक से उसको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तुम उसको पूजा कर दो, उसका तुम इंसल्ट कर दो, सब कुछ, उसको इससे मतलब ही नहीं, उसको तो वैकुंठ धाम जाना है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, कोई आप पे सेंट डाले नहीं डाले उससे क्या करना है मेरे को, तो उसको भगवान के दर्शन की भूख है, उसको इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं, मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। और ये ही नहीं, जो महान भक्त है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही नम्र हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चै व सपाके च पंडिता समदर्शन। उसमें ब्राह्मण के लक्षण बताएं पहली लाइन में क्या है, विद्या विनय। जब विद्या आती है तो आदमी ऑटोमेटिकली विनय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्या लग, क्यों क्यों रीज़न है ऐसा? क्योंकि जब तक विनय नहीं होगा उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भगवत ज्ञान तो शब्द प्रमाण से प्राप्त होता है, भगवत ज्ञान आपका एक्सपेरिमेंट करके नहीं प्राप्त होता। हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है, वो तो हमको वेद से ज्ञान मिला था, करेक्ट? भारत में कैसे ये ज्ञान मिला? तो सेम में जितना भी ज्ञान हम लोगों को है भगवान के बारे में, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट थोड़ी करा है, हमें किसी ने देखा भी नहीं है भगवान को, लेकिन हम शास्त्र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। शास्त्र को एक्सेप्ट करने के लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। जब आप घमंडी हैं, आप वेदव्यास का अथॉरिटी क्यों एक्सेप्ट करोगे, प्रभुपाद जी का अथॉरिटी क्यों एक्सेप्ट करोगे? हम आचार्य का अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, गुरु का अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि नम्र होते हैं। जब तक आदमी सबमिट नहीं होगा, शरणागत नहीं होगा, उसको भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो विद्या विनय, जब तक आदमी विनय नहीं होगा विद्या हो नहीं सकती। और विद्या आने में भी आदमी विनय बन जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो माया ऐसे फू करके उड़ा देगी, ये मेरी हालत है। मैं माया हवा में ऐसे फू, एक नहीं हम हजारों हम लोग उड़ जाएंगे माया में। इतना शक्तिशाली, हमको माया का शक्ति का मालूम नहीं है अभी। हम आपको बहुत एक्चुअली बहुत बड़े भय 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 भी स्थिति में हम बैठे हुए हैं। हम लोग सब डेंजर में हैं, डेंजर समझते हैं? बोलते हैं भक्त को किस चीज़ से डर नहीं लगता, माया से डर लगता है बस। उसको किससे डर नहीं है, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसको माया, भगवान को भूल गया उस चीज़ का डर है। वो चीज़ क्या कराती, माया। माया का काम क्या है, आपको भगवान भुला के। माया का काम ऐसे, जैसे अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ बस गए उठा के ले गए, एक क्षण में पकड़ लेती हूँ मैं। तो जैसे ही हमारा मन भगवान से गया, माया आपको दफना देती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है माया का काम क्या। एक्चुअली बोलते हैं जो मन भगवान को सेवा नहीं करता, उस मन को वैश्य का कंपैरिजन भक्तसंत प्रभुपाद ने दिया, वैश्य। जो जीव भगवान का नाम नहीं लेती वो वैश्य। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, क्या बता चुके हैं बहुत बारी, 10 बारी बता चुके हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक और बारी सुन लो। जब सीता रावण के आश्रम में थी, सीता माँ थी, उस समय उनका मन भगवान के चरण में ही था, राम के, करेक्ट? राम राम राम, उन्हीं को सोच रही थी, ध्यान में, समाधि में। लक्ष्मी है वो तो नारायण को कभी नहीं बोल सकती, कुछ भी कर दो। हम जैसे छोटे मोटे जीव भगवान की सेवा छोड़ सकते हैं, जो महान भक्त होते हैं कभी सेवा नहीं, कुछ भी कलो नहीं छोड़ सकते। जैसे हनुमान है, वो कुछ भी कलो सेवा नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग महान भक्त थे ही नहीं, सेवा क्यों छोड़ी? लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, महान भक्त बन सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन पुराने अपने कर्म सोच लो, महान भक्त थे ही नहीं। जैसे कोई मजाक कर रहा था, वैकुंठ धाम में कुछ होंगे पत्ते या कुछ छोटी सी चींटी, भगवान के करीब तो हम होंगे ही नहीं, सेवा नहीं छोड़ सकता। करीब आदमी सेवा नहीं छोड़ता कभी। ये एनालिसिस ठीक है या गलत है? वैकुंठ धाम में हम सेवा छोड़ के आए हैं, भगवान के बहुत करीब तो हम थे नहीं, नहीं तो सेवा नहीं छोड़ते। बहुत करीब लोग सेवा नहीं छोड़ते, गोपीस ये सब, ये जो ये सेवा नहीं छोड़ते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ये आपको सीधा गोपीस की सेवा में ले जाएगा, सबसे अंतरंग सिचुएशन में ले जाएगा, करेक्ट? नहीं, अब इसका आप अलग अलग तरह से आप समझ सकते हैं। जो भी है, सेवा छोड़ी है, अच्छा काम नहीं है,
किधर थे भैया हम लोग? एनीवे उधर से शुरू कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, मदर सीता की बात कर रहे थे। तो उस समय रावण एक राम का सिर बना के लाता है अपनी फैक्ट्री में, नहीं अपनी कुछ सिद्धि से, एग्जैक्ट राम का डुप्लीकेट सर लेके आता है और सीता को बोलता है मैंने मार दे वध कर दिया उसका, अब तो मेरे को तुम स्वीकार कर लो। उसका काम क्या था? किसी तरह सीता का मन भगवान राम से निकालो। समझ आ गया आपको? माया का काम बिल्कुल वही है। ऐसा भयभीत स्थिति बनाती है माया इस दुनिया में, दुनिया बंद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तुम इस स्थिति, तुम अपना जब छोड़ो मेरे को देखो। क्या क्या काम था सीता से? आप न्यूज़ देखो क्या होता है, दुनिया बंद होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, हाँ तो हम लोग जब छोड़ के क्या हुआ क्या हुआ ऐसे पकड़ती है माया। जैसे सीता का मन भ्रमित हुआ नहीं, उनको मालूम था कुछ नहीं हो सकता भगवान राम को। और फिर विभीषण की बीवी जो उनके साथ उनकी सेवा कर रही थी बताए नहीं नहीं ये उसकी शक्ति से लाया है, राम को छू नहीं सकता हो। कैरेक्ट मालूम है ना कुछ था, विभीषण की बीवी थी या कोई था उनके साथ एक लेडी थी जो उनको अच्छा काउंसिल कर रही थी। किसी को रामायण पढ़ा है क्या? एनीवे वन लेडी वॉज देयर इन अशोक वाटिका हु वॉज गिविंग गुड काउंसिल टू बीवी था विभीषण का लड़की, कोई था जो अच्छा काउंसिल दे रहा था, बाकी लोग तो खाली तंग कर रहे थे। एनीवे लड़की है अभी, सो शी एनीवे उसका मन आप अस्थिर नहीं कर। उसी तरह हमको भी दुनिया में लोग बोलते हैं ऐसा खत्म हो गया, इतना गंदा चीज हो गया, उधर लोग हजारों लोग पकड़ के पाकिस्तान में एक बच्चे को कॉलेज में हजारों लोग धना धन मारा, मर गया फिर भी मारते रहे एक एक हड्डी तोड़ने का ऐसा, अरे क्या हुआ, और हम अपना जब छोड़ के हैं। ये माया का काम है, किसी तरह इसका भगवान का समाधि तोड़ो। और एक बारी तोड़ा माया फिर उसको ले जाके आपको समुद्र के अंदर घुसा देगा, तमोगुण में घुसा देगा और ख़त्म कर देगा, किसी तरह नहीं रोक नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। एनीवे तो इधर तो ये ख़त्म हो गया। तो चित्रकेतु का लीला तो मैं जो मेन चीज़ जो आने वाली है अभी उसको दो तीन क्लास में मेडिटेट करेंगे। तो शिवजी को जब ये अपराध उन्होंने सुना, कह रहे उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो महाभागवत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त को इन चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्चुअली उनकी स्थिति है पूजनीय, समुद्र मंथन हुआ था सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे कि इस हलाहल इस जहर को आप ही निकाल सकते हो, सब लोग पूजा कर रहे थे, विष्णु भी थे उसमें बोलने वालों में पीछे, याद है सबके साथ आए थे, ब्रह्मा के साथ वो भी खड़े थे, जान अपने भक्त की महिमा करना था उनको, तो वो तो आपको ढंग से समझाना चाहिए वो भी क्यों थे सबके साथ, अरे शिव जी आप ही इसको पी सकते हो, ब्रह्मा थे सब थे विष्णु भी थे उसमें। एनीवे और उनका ग्लोरिफिकेशन होता है शिव जी का एज फर एज आई रिमेंबर, एंड देन सो हिज पोजिशन इज़ वेरी ग्रेट, उनको ऐसे एक्चुअली पूजा होती है। और इधर पब्लिक में सब सबके सामने उसने बेइज्जत किया है, शिव जी उसको कोई बेइज्जत नहीं मानते। करेक्ट पॉइंट, करेक्ट, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे को एक शिक्षा देने की, करेक्ट करेक्ट पॉइंट। और मुस्कराए, कोई अपराध नहीं लिया, इसलिए क्या बोला जाता है, त्रिनाथ सुनी चैना तरोर अपि सहिष्णा अमानी न मान देना कीर्तनया सदाहरी। चेतन महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसा बोला है कि इसको कंठी माला की तरह लगा के रखो, इसको त्रिणादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णा। भगवान खुद ये तरीका अपनाते हैं कलयुग के प्रचार के लिए, पहले युग में ऐसा नहीं जरूरत नहीं थी। भगवद्गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण जी, त्रिणादपि सुनी चैना नहीं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, आदेश देके जाते हैं, आदेश हो माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण खाली मेरी शरण लो, कुधर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, माम एकम मैं आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करूंगा, मेरा शरण लो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा डिमांड कर रहे हैं और उनको हक है डिमांड करने का, हम उनके नौकर हैं, करें हम भगवान के नौकर हैं नहीं है, जीव कृष्ण दास है। भक्ति वरुण ठाकुर क्या बोलते हैं, जीव कृष्ण दास है ए विश्वास है कर ले तारा, ये चीज एक्सेप्ट कर लो। और कृष्ण जी उसका ऑर्डर देते हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता, करते हैं कम लोग करते हैं, कलयुग का प्रभाव चल रहा है और 4,500 साल हो गए कलयुग के,
और लोगों ने सरेंडर नहीं किया, भगवान आदेश दे के चले गए थे, तो मेरा शरण लो, मेरा ही शरण लो, किधर जाने की जरूरत नहीं है, लोग शरण ही नहीं ले। और कुछ लोग बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा डिमांड दे दिया है, कौन है इतना बड़ा आदेश देने वाला लोग ईर्ष्या कर रहे थे। तो कलयुग में इसलिए भगवान खुद किस रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और क्या करते हैं, त्रिनाथपि सुनि चैना तरोरपि, उनका स्वभाव हमेशा ऐसा था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे, वाराणसी में थे, तो वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सारे शिष्य लोग उनको उनके मजाक कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य चंद्रशेखर आचार्य एंड क्या हैं दो लोग, हाँ हु आर द टू पीपल, हाँ वाराणसी में तपन मिश्रा एंड चंद्रशेखर आचार्य थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ सुन के। और एक और भक्त ये सुन के, मतलब वो कह रहे थे ये तो एक भावुक भक्त है, बच्चों के साथ नाचता है, ऐसा बोल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु पूरा शहर उनके साथ नाचा था हरिनाम संकीर्तन में, हमेशा पब्लिक में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे। जब मन थोड़ा साफ हुआ फिर प्रवचन करते थे, है ना, स्टेजेस होना चाहिए, पहले हरिनाम संकीर्तन, कोई भी खुश हो जाता है, अगर भक्त करता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु को आके बताते हैं कि आपको ऐसे अपमान कर रहे हैं, आप तो एक भावुक कनिष्ठ भक्त हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं, त्रिनाथ भी सुनी चेना तरोर अपी सहिष्णा, पेड़ की तरह कुछ कुछ गुस्सा नहीं हुआ। वो वहाँ वहाँ से वृंदावन चले गए थे, फिर वापस आके फिर उन्होंने इन सबको शिष्य बनाया। इवन जब मिलने आए थे उन्होंने देखा कि ये लोग तो सुनने वाले हैं नहीं, वो फिर वापस आए थे वृंदावन के दर्शन करके। जब वृंदावन दर्शन करके वापस आए थे तो एक ब्राह्मण आया, उसने उनको इनवाइट किया, मेरे घर में आप भिक्षा लीजिए, क्योंकि सन्यासी खाना नहीं बनाता है ना पहले, आजकल तो अलग चीज़ है। प्रभुपाद जी तो शुरू में खाना बना के इस्कॉन को मूवमेंट शुरू किया उनके हाथ का खाना खा के सब लोग भक्त बने शुरू में। ये सोच रहा था प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बनाते थे उसमें अमेरिका में, उसको गुलाब जामुन को क्या बोला जाता था, इस्कॉन का बुलेट। लेकिन एक चीज़ समझिए, गुलाब जामुन मिक्स तो वहाँ पे नहीं होगा, और अगर आप गुलाब जामुन मिक्स के बना गुलाब जामुन कभी बनाए हो, खुद खोया बना के, मेहनत बहुत पड़ता है नहीं। किस उम्र में कर रहे थे वो, 70 साल की उम्र में अकेले, एक नहीं और वो ऐसे सात सात फिट के लोग 10 खा जाए फट 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 साइज भी बहुत था ना उनका, उनका साइज भी अगर आप 7.5 ऐसा फिट का इतना बड़ा 150 किलो का आदमी कितना खाएगा। प्रभुपाद जी मजाक करते थे, वो खुद खाना बनाते थे, ये ब्रह्मानंद ये सब 10-10 चपाती खाते थे, 10-10, और खाना खा के वैसे ही छोड़ के चले जाते थे, सब कुछ उठाते थे साफ करते थे। फिर धीरे धीरे यंग लोग थे, उनका दिल थोड़ा नरम हुआ, क्या फॉलो किया उन्होंने, त्रिनाथ फिर सुनी चेना तरोर फिर सहिष्णा। बोल सकते हैं क्या कुत्ते बिल्ली की तरह, थोड़ा इतनी दिए बर्तन धो ऐसे छोड़ के बहुत बर्दाश्त किया। क्या बनाया उनके लिए, गुलाब जामुन, कितना मेहनत किया, कह रहे एक और चीज़ देखे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए प्रकाशानंद, वहाँ जब घर में घुसने वाले थे उनको मालूम है वो तो परमात्मा है कि इस घर में है, उसने इन लोगों को भी इन्वाइट किया, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के, प्रकाशानंद सरस्वती के हजारों शिष्य थे, सब तो घर में नहीं बैठे होंगे, कुछ मुख्य शिष्य होंगे मेरे ख्याल से। तो जब वो वहाँ पहुँचे चैतन्य महाप्रभु, देखे सब लोग अंदर बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे हमारे बाहर नहीं है धोने की जगह, वहीं पे नीचे बैठ गए जहाँ पैर धो, घर पहले लोग पैदल चलते थे और घर के बाहर पैर धोने की जगह है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये देखे क्या फॉलो किया, त्रिनाथपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णा अमानीन मानदेन कीर्तनया सदा हरि। वो तो भगवान खुद है भाई, मेरे को मान दो, नहीं त्रिनाथ, सिंपल रोल ये। तो प्रकाशानंद सरस्वती में सत्वगुण तो था, वो अपराधी नहीं था, सत्वगुण और अपराध किए थे चैतन्य महाप्रभु, बट कुछ सत्वगुण का प्रभाव भी था, इमीडिएटली भागा, अरे रे 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 आप क्या कर रहे हैं, इधर क्यों बैठे, आपको ऐसा क्या दर्द कि आप बाहर वहाँ पैर धोने की जगह पर। चैतन्य बोले नहीं नहीं मैं आप लोगों के सामने इधर ही ठीक हूँ तो उसने खुद पकड़ के हाथ वो खींच के अंदर ले गया, उससे सेवा
उसने उनकी सेवा करी वैष्णव की, तो फिर एक चैनल बनता है प्रचार का। इसलिए भक्त को हमेशा ये कलयुग में प्रचार के लिए बहुत जरूरी है। भगवान ने खुद दिखाया। एक और लीला ले लीजिए, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या हुआ था, सारे देवता लोग जब नरसिम्हदेव आए थे सब उनकी प्रार्थना के लिए आए थे, लेकिन किसी की हिम्मत घर के अंदर, जैसे सोच लीजिए नरसिम्हदेव यहाँ दर्शन दे रहे हैं, सारे देवता रोड में खड़े थे लाइन में, ब्रह्मा शिवजी इंदिरा सारे क्यू लगा के खड़े थे, और क्यू से ही उन्होंने प्रार्थना करी, किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर एक पैर रखें, पता है ना आपको, क्योंकि नरसिम्हदेव हिरण्यकश्यपु का वध कर चुके थे और उनके कमांडर चीफ जो भी जिसकी हिम्मत हुई आगे उसको भी अपने नाखून से फाड़ के फेंक चुके थे, सब जगह खून था पूरे हॉल में, और वो अभी भी इतना गुस्सा थे, शेर की तरह सिंह की तरह आवाज़ कर रहे थे, आवाज़ इतना जोर का था कि जितने हाथी होते हैं वो डर के भयभीत होकर भाग रहे थे इधर उधर, सोचो कितना मतलब भयंकर सिचुएशन था, और देवता लोक का हृदय कांप गया। ये एक कृष्ण का टेस्ट था, कभी कभी भगवान टेस्ट कर देते हैं, जो शुद्ध भक्त और सकाम भक्त का भेद हो गया। ब्रह्मा भी बहुत महान भक्त हैं, वो भी डर गए, कह रहे शिव, एक्चुअली ब्रह्मा शिव जी तो जनरली शुद्ध भक्ति होते हैं, लेकिन भगवान का योग माया के प्रकार से वो भी आगे नहीं आए, क्योंकि भगवान की लीला में दो चीज़ होती है, योग माया और महामाया की, मिटल वर्ड की लीला में महामाया, करेक्ट, तो योग माया के प्रभाव में वो भी नहीं आ गया है। यही नहीं, लक्ष्मी भी थी उधर, वो भी नहीं आ गया आई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को इस रूप में नहीं देखा था, तो वो भी नहीं आई, क्योंकि लक्ष्मी खाली अब विष्णु के सामने जाएगी, जैसे स्त्री खाली अपने हस्बैंड के सामने जाएगी, वो भी वहीं लीला शक्ति के प्रभाव में उधर रही, और सब ने प्रार्थना करी उधर से, इंदिरा ने प्रार्थना करी, नरसिम्हदेव बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब अप्सरा लेके भाग गया था, मिल गई वापस, बहुत बहुत शुक्रिया। नरसिम्हदेव का गुस्सा और बढ़ा, ये क्या प्रार्थना है, और नागा से प्रार्थना करी, हमारी मणि चोर के चला गया था, वापस मिल गई, थैंक यू नरसिम्हदेव, ये सब प्रार्थना से भगवान कुछ नहीं होने वाले, ठीक है। एक्चुअली ब्रह्मा ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी थी शिव जी ने, लेकिन नरसिम्हदेव अपनी लीला चल रही थी, वो अपने एक भक्त को महिमा करना चाहते थे। उसके बाद एक आदमी था जिसको कोई भय नहीं था, कौन था वो, छोटा सा बच्चा, उसका दर्शन सबसे आगे था, करेक्ट। भगवान लाइफ में बड़ा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, असली भक्त और छटके मटके सब अलग हो जाते हैं, करेक्ट, बिल्कुल अलग हो, बता ना जैसे छलनी में करते हो ना, सब क्या कहते हैं, छन जाते हैं, ये हमारे जीवन में भी भगवान करते हैं ऐसा, इसलिए हमारे अच्छे गुण बाहर आते हैं, हमको भी दिखता है, देखो इंद्रिय भोग की इच्छा है, किसी का एक पैर अंदर रखने की इच्छा नहीं है। ब्रह्मा ने बोला प्रहलाद तुम ही जाओ, भगवान को शांत करो, बहुत उनको गुस्सा है, तो सीधा चले गए, कोई डर नहीं, और सीधा नरसिम्हदेव के पैर में पड़े, भगवान मैं क्या, सब लोग बोल रहे हैं मेरे को प्रार्थना करूं, मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं तो उग्र जाते, मैं तो राक्षस का खून मेरे शरीर में चल रहा है, मैं क्या प्रार्थना करूंगा आपकी, देखो बहुत महान भक्त है, लेकिन त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम की।